नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम लोग कुमारी मायावती जी की कुंडली को एनालाइज करेंगे और क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखें निकल चुकी हैं और 11 मार्च को सभी को इंतज़ार है कि उत्तर प्रदेश में इस बार कौन गद्दी संभालेगा, क्या अखिलेश जी बरकरार रहेंगे, क्या मायावती जी इस बार आएंगी, क्या बसपा इस बार राज करेगी उत्तर प्रदेश पे, क्या भाजपा उत्तर प्रदेश में आएगी। इसमें मैंने मायावती जी की कुंडली ली है, आज मायावती जी की कुंडली पे हम जो है डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनका आने वाला समय या इस समय जो चल रहा समय है और आने वाले समय में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं क्या उनको गद्दी फिर से देंगे कि नहीं। पहले तो मित्रों जो जन्म तारीख मेरे को उपलब्ध हुई है इंटरनेट के माध्यम से और बाकी जो अपने स्रोत हैं उस माध्यम से, उनका जन्म समय जो है जन्म तारीख है 15 जनवरी 1956, रविवार का दिन था, शाम को 7:50 का जन्म है, साहबाबाद दौलतपुर उत्तर प्रदेश का बर्थ है। मित्रों शुक्ल पक्ष में जन्मी है वो, धनिष्ठा नक्षत्र में जो कि मंगल का नक्षत्र है और राक्षस गण में उनका जन्म हुआ है। मित्रों पहले तो क्योंकि मैंने सारी कुंडली को एनालाइज किया है तो पूरी कुंडली का एक सार मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि आखिर सार है क्या। मित्रों इस समय जो अक्टूबर 2016 से जो उनकी बुध की महादशा में शुक्र का अंतर शुरू हुआ है, ये अक्टूबर 2016 में शुरू हुआ है और ये 2019 अगस्त तक चलेगा, ये इनके लिए वाकई ही एक अच्छी स्थिति लेकर के आएगा। और जो कि आपने जैसे 2014 में देखा होगा कि इनका एक भी एमपी जो है इस बार नहीं आया, अब वैसी स्थिति नहीं रहेगी। ये जो शुक्र इनकी कुंडली में आया है, मैं अभी आपको डिटेल में आगे जो मैं जब आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिर क्या कौन कौन से प्लैनेट्स इनके बैठे हैं जिस वजह से इनको इस बार बहुत अच्छी स्थिति मिलने वाली है उत्तर प्रदेश में। यहां पे बुध में जो शुक्र का अंतर आया है ये इनके लिए जो इनकी सीट्स हैं उससे बहुत अच्छी स्थिति में आने के योग बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार की चीफ मिनिस्टर यही बनने वाली हैं, मैं ये बता रहा हूं कि बुध की महादशा में जो शुक्र का अंतर है ये इनके लिए एक अच्छी स्थिति लेकर के आएगा। सीधा गद्दी पे बैठने का तो राजयोग मेरे को कुंडली में नहीं नजर में आता है कि ये जैसे 2007 में उन्होंने अकेले सरकार बना ली, ठीक है, वैसी सरकार के कुंडली में वैसे योग तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में आने के योग कुंडली बता रही है। आइए जानते हैं डिटेल में कि इनकी कुंडली के आखिर प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं इनके बारे में। पहले तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा इनके प्लैनेट्स में सबको जिज्ञासा होगी कि इनकी कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं कि बहुत छोटी सी उम्र में ही ये बहुत आगे बढ़ी और इन्होंने जो है एलएलबी की, उसके बाद सीधा ये एमपी बनी। पहले 3 बार ये एमपी का चुनाव लड़ी और 3 बार हार गई, फिर 1989 में ये एमपी बनी और पहली बार एमपी बनी, फिर इनकी कुंडली में जो है शनि की महादशा ने सारा रोल, क्योंकि इनकी कुंडली में शनि और मंगल सबसे भाग्यकारक प्लैनेट बने हुए हैं। मैं बताता हूँ क्या क्या इनकी कुंडली में राजयोग हैं। पहले तो लग्न का स्वामी जो है कर्क लग्न की कुंडली है, चंद्रमा जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ है, शनि के घर में बैठा हुआ है और उसका डिपॉजिटर हम लोग देखते हैं कि डिपॉजिटर जो है वो शनि है, मकर राशि का मालिक। वो यहाँ पे स्वग्रही मंगल के साथ में, मंगल यहाँ पे जो है इनका कर्म भाव का स्वामी भी है, पद पोजिशन और जो रेपुटेशन सरकार में आने का जो कारक है वो यहाँ पे मंगल पंचम भाव और दशम भाव का कारक है। मंगल पंचम भाव में स्वग्रही है, वृश्चिक राशि में बहुत मजबूत है। पंचम भाव मित्रों स्पेकुलेटिव गेन्स, अनएक्सपेक्टेड इनकम, अच्छी खासी धन संपत्ति अचानक से आना, बहुत पैसा मिलना, इस सब के योग बनते हैं पंचम भाव से। दशम भाव सरकार में पद प्राप्ति का योग बनाता है जो कि मंगल इनकी कुंडली में स्वग्रही है, ये बहुत शुभ है। दूसरी चीज इनकी कुंडली में सप्तम भाव का कारक जो है जिसमें लग्नेश चंद्रमा बैठा है वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, शनि स्वग्रही मंगल के साथ ये राजयोग बना रहा है। यहाँ पे शनि जो है वो सप्तम और अष्टम दोनों भाव का कारक है,
सप्तम भाव जो है पब्लिक का कार्य भी होता है, पब्लिक पब्लिक का इनको सपोर्ट मिलना, और एट हाउस भी जो है, वैसे तो हम लोग इसको मैलेफिक कहते हैं एट हाउस को, लेकिन क्योंकि शुभ घर का स्वामी भी शनि होता है, इसलिए ये शनि जो है इनकी कुंडली में इनकम जो है स्पेकुलेटिव गेन्स के घर में आके बैठा हुआ है, इसलिए, और स्वग्रही मंगल के साथ में बैठा, तो ये एक राजयोग बना रहा है कुंडली में। दूसरी चीज, कुंडली में एक राजयोग इनकी कुंडली में जो बहुत अच्छा है, बृहस्पति, बृहस्पति जो है कर्क लग्न की कुंडली में छठम भाव का कारक, सरकार का कारक जो है, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड सरकार का कारक होता है, और भागेश जो है मीन राशि का मालिक, नाइन्थ हाउस लॉर्ड, वो इनकम हाउस में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है इनकम हाउस में, तो ये एक बहुत सुंदर राजयोग है। दूसरा, ये गुरु जो है वो माघ नक्षत्र का है। मित्रों, माघ नक्षत्र जो है ये रॉयल जो है, माघ नक्षत्र सबसे रॉयल नक्षत्र माना जाता है ज्योतिष में, और यहाँ पे चौथा घर जो पॉलिटिक्स का कारक है वो शुक्र अष्टमेश होकर के बैठा है, और वो भी जो है उसकी नवम दृष्टि जो है वो अपने घर पे स्वग्रही हो रहा है, और सप्तम दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, जो कि मैंने बताया कि सरकार का कारक है, और ये एक दूसरे से केंद्र में होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। और यहाँ पे शुक्र जो है चौथा घर पॉलिटिकल हाउस का कारक भी है, और साथ में इनकम हाउस जो वृषभ राशि का मालिक है वो भी शुक्र है, वो भी शनि के घर में बैठा हुआ है, और उसका डिपॉजिटर फिर हम देखेंगे कि शनि कहाँ बैठा है। ये शनि अष्टम भाव का कारक फिर वही यहाँ राजयोग बना रहा है। अष्टम भाव मित्रों अनएक्सपेक्टेड इनकम का भी कारक है, पद प्रतिष्ठा का भी कारक है शनि। और अगर मैं बात करूं तो 1994 में 1994 मई के बाद से इनकी शनि की महादशा शुरू हुई, और ये शनि की महादशा में एकदम ऊपर उठी, और ये पहली बार जो है 3 जून 1995 में ये पहली बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी, और ये शनि इनके लिए बहुत शुभ है क्योंकि यहाँ शनि राजयोग कारक बन रहा है मंगल के साथ बैठ करके, और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड जिसको जो है अनएक्सपेक्टेड ये सत्ता पे बैठी पहली बार। उसके बाद 21 मार्च 1997 में फिर से ये जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनी, उस समय शनि की महादशा में बुध का अंतर था। फिर तीसरी बार 3 मई 2002 को ये चीफ मिनिस्टर बनी थर्ड टाइम, उस समय शनि की महादशा में शुक्र का अंतर था। फिर चौथी बार जब ये फुल फ्लेज जो है उत्तर प्रदेश में फुल मेजोरिटी के साथ बसपा गवर्नमेंट आई, मैं अभी आगे आपको बताता हूं कि ये क्या चीजें थी कि फुल मेजोरिटी इनकी आई, मैं वो भी बताता हूं। और इनकी जो पहली दूसरी और तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनी उसमें हर्डल्स क्यों आए, क्यों छोटी छोटी अवधि के लिए चीफ मिनिस्टर बनी और फिर ये जो है गद्दी से उतर गई, मैं अभी डिटेल में आगे आपको बताता हूं। यहां पे मई 2007 में फुल फ्लेज मेजोरिटी के साथ बसपा गवर्नमेंट आई, उस समय शनि में मंगल की अंतरदशा शुरू हुई थी। और मित्रों यहां पे जो है मैंने जो है ये तीन बार जो है उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी और वो फिर लंबी अवधि तक नहीं बैठ पाई, उसकी वजह यह है कि ये राहु जो साथ में बैठा है, राहु मंगल शनि को कुपित भी कर रहा है, और उसको बिकॉज शनि यहाँ पे मैलेफिक एट हाउस लॉर्ड भी है, वो शनि के साथ राहु बैठ करके इनकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी दे रहा है, अनस्टेबल जो है इनकी प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मंगल जो है इनके दशम भाव का स्वामी है, प्रोफेशनल लाइफ का कारक, पद प्रतिष्ठा का कारक। तो जब शनि राहु से कुपित होगा, मंगल राहु से कुपित होगा, राहु हर्डल्स उसमें पैदा कर रहा है, और ये केतु की जो दृष्टि पड़ रही है, केतु की सप्तम दृष्टि अच्छी नहीं है, और नवम दृष्टि जो है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, जो लग्नेश है वो भी शनि के घर में बैठा हुआ, तो इस वजह से इनकी जो ये सीएम बनी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, वो छोटी छोटी अवधियों के लिए बनी। और ये आपको जिज्ञासा होगी कि 2007 में क्यों ये फुल फ्लेज बनी। मित्रों उस समय मैं बताऊं आपको, शनि की महादशा में मंगल का अंतर आया, और यहां पे मंगल जो है मैंने बताया आपको कि यहां पे राजयोग कारक है, और अपने ही घर में स्वग्रही है, अनएक्सपेक्टेड स्पेकुलेटिव इनकम और पद प्रतिष्ठा का कारक है, तो शनि की महादशा में मंगल का अंतर ये इनके लिए राजयोग कारक था। उस समय में ये फुल फ्लेज गवर्नमेंट आई इनकी। अब अगर मैं इधर की बात करूं तो यहां पे इस समय जो पीरियड चल रहा है वो
बुध की महादशा शुरू हुई है 2013 मई से, और 2013 मई से जो आपने देखा होगा कि इनका ग्राफ जो है वो धीरे धीरे गिर रहा है, उत्तर प्रदेश में भी गिर रहा है। यहाँ पे बुध मित्र जो है ये थर्ड हाउस लॉर्ड है, वो बैठा हुआ है सप्तम भाव के अंदर, वो ठीक स्थिति में बैठा, बिकॉज थर्ड हाउस लॉर्ड इज नॉट द लॉर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि यहाँ पे बुध दो घरों को देखता है, बारहवें घर का स्वामी भी है, वह घर का स्वामी एक्सपेंसेस हाउस लॉर्ड मिथुन जो है नंबर थ्री, बारहवें घर का स्वामी और थर्ड हाउस लॉर्ड दैट इज सिटिंग इन केंद्र। तो ये इनके अंदर थोड़ी सी स्मार्टनेस, इनको बोलने की एक जो है फ्रंट में आने की एक अंदर से अर्ज देना, वो चीजें अगर आपने नोटिस की हो मीडिया के माध्यम से, तो इनमें उन चीजों में सुधार आया है कि फ्रंट में आके बोलना, फ्रंट होना, तो वो चीजें हैं। दूसरी चीज यहां पे एक सबसे प्रमुख बात यहां पे आएगी, यहां पे जो बुध में शुक्र अभी जो पीरियड आया है अक्टूबर 2016 से, ये बुध में शुक्र का पीरियड स्टार्ट हुआ है। ये शुक्र और चंद्रमा ये दोनों के दोनों धनिष्ठा नक्षत्र के हैं मंगल के नक्षत्र के। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पे बहन जी का स्वभाव एक डिक्टेटर की तरह है, वैसे भी कर्क लग्न की कुंडली में अगर मंगल इतनी पावर में बैठा हो, शनि के साथ में बैठा हो, और खुद भी ये जो है राक्षस गण की है, ऐसी स्थिति में मंगल का इतना पावरफुल होना, शनि का इतना पावरफुल होना, और चंद्रमा खुद भी शनि के घर में बैठना, ये और धनिष्ठा नक्षत्र का होना, ये दिखाता है कि ऐसे लोग डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, अड़ियल नेचर के होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, ऐसे लोग अपनी बात मनवाना जानते हैं और चढ़ के बात करते हैं, डिक्टेटर की तरह बात करते हैं। आपने देखा भी होगा 2007 में भी जो है ये एक डिक्टेटर की तरह आई थी, एक डिक्टेटरशिप इनके अंदर थी, प्रशासन को एकदम अपने काबू में रखना, और उस समय उत्तर प्रदेश का प्रशासन एकदम इनके काबू में रहा है, और ये उसी के लिए जानी जाती हैं। और यहाँ पे इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है, ये आयरन लेडी का मतलब ही यही है, क्योंकि मंगल यहाँ पे जो है मंगल स्वग्रही होने से मंगल जो है हमारे अंदर एक डिक्टेटरशिप पोजिशन देता है, और उसपे राहु साथ में बैठ जाना, राहु का काम है चीजों को एम्पलीफाई करना, तो कुछ हद तक ये राहु इनके लिए फायदेमंद भी है, लेकिन बहुत हद तक इनके राज्यों को खंडित भी कर रहा है। मित्रों अभी की जो बात करूं तो आने वाले चुनाव में जो होने वाला है, क्योंकि मार्च में रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं, 11 मार्च को रिजल्ट उत्तर प्रदेश के डिक्लेयर होने हैं, और यहां पे बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र की नवम दृष्टि, मित्रों यहां मैं दिखाना चाहूंगा, शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है ये गुरु के ऊपर पड़ रही है, और नवम दृष्टि जो है ये शुक्र की अपने घर पे आ रही है, यहां पे ये स्वग्रही हो जा रहा है शुक्र। और मैंने पहले बताया कि फोर्थ हाउस लॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, और यहां पे सिक्स हाउस जो गवर्नमेंट का कारक है, ये सिक्स हाउस लॉर्ड जो है ये बृहस्पति सेकेंड हाउस में बैठा और इससे केंद्र में बैठा है, शुक्र और गुरु दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं, और इसका डिपॉजिटर जो सूर्य है वो भी लग्नेश के साथ में बैठा हुआ है, और चंद्रमा और ये शुक्र ये दोनों के दोनों धनिष्ठा नक्षत्र में है, एक ही धनिष्ठा नक्षत्र में है मंगल के नक्षत्र में, मंगल यहां पहले ही राजयोग कारक है। इस स्थिति में मैं ये नहीं कहता कि ये पूरी फुल फ्लैश तरीके से आएंगी, क्योंकि बुध की महादशा चल रही है, ये फुल फ्लैश तरीके से उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगी, लेकिन पहले से बहुत अच्छी स्थिति होगी इनकी, एक अच्छी स्थिति में आएंगी, एक ऐसी स्थिति में होंगी कि जो पहले जो इनकी इमेज टार्निश हुई है 2014 के एमपी इलेक्शंस में, इस बार उत्तर प्रदेश के जो है विधानसभा के चुनाव में इनकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर होने वाली है, बहुत अच्छी स्थिति में आएंगी। और मैं फिर ये बोलना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी, लेकिन यहां पे अच्छी स्थिति में आने का मतलब यह है कि किसी के सपोर्ट से आगे चल करके, क्योंकि जब बुध में शुक्र में गुरु आएगा वो इनके लिए एक राजयोग कारक है, वो इनको गद्दी पे बैठा सकता है, वो ताकत है इसमें, एक छोटी अवधि के लिए इनको गद्दी पे फिर से बैठा सकता है। बुध में शुक्र में गुरु जो मार्च 2018 में शुरू होगा, मार्च 2018 से लेकर के अगस्त 2018 तक में ये बृहस्पति जो है वो शुक्र को देखेगा, और बुध में शुक्र में गुरु चलेगा, और ये दोनों राजयोग कारक है, गुरु और शुक्र एक दूसरे से केंद्र होने से ये राजयोग कारक है, ये इनके लिए इनको एक अच्छी स्थिति में लेकर के आएगा।
मित्रों इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी माध्यम से मायावती जी ये वीडियो देख पाती हैं तो मैं उनको एक सलाह दूंगा कि इस समय जो है एक बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है एक नीलम जो है वो सोने में जो है राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में उसको अवश्य धारण करें शनिवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन गुरु की होरा में या शनिवार के दिन बृहस्पति की होरा में अवश्य धारण करें। इस समय ये शनि को और पावर दें ताकि इनको सत्ता तक पहुंचाने में वो लाभ दे। ठीक है मित्रों, ये तो रहा मायावती जी की कुंडली का एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आने वाले समय में मैं और भी वीडियो डालने वाला हूं, हमारे होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी का वीडियो डालने वाला हूं। मित्रों अगर ये पसंद आया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बटन पे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।